किसी को नौकरी चाकरी मिला नहीं मिला, इसकी वजह से हम लोग एकदम परेशान है इस सरकार से। अखिलेश की सरकार में कुछ काम अच्छा भा रहा, लेकिन ये योगी मोदी की सरकार में तो एकदम। क्या लगता है यहाँ चुनावी माहौल है और विकास हुआ है कुछ? नहीं, विकास तो हुआ है। आप किसे देख रहे हैं, कौन सी पार्टी है जिसको वोट करें? ये इसमें ऐसा कहीं घूम वूम तो नहीं रहे गाँव से, तो क्या बताएं कि क्या पार्टी कौन जा रही है, क्या जा रही है। नहीं, आपका आप क्या लगता है किसे वोट देना चाहिए? आपका अगर पर्सनल ओपिनियन है, किसकी सरकार अच्छी है, किसके सरकार तो है, बाकी अब अभी आया कि आप हमको बताएं कि किसको वोट देना है, ये बता दें। अच्छा, नहीं नहीं, पार्टी की बात कर रहा हूँ। पार्टी कामकाज जैसे 5 साल का कामकाज का वो अच्छा था या बदला होना चाहिए? नहीं, बदला होना चाहिए। बदला होना चाहिए, ठीक बात बोली है कि लोगों का बदलाव की जरूरत। आपको कैसे लगता है, आप युवा हैं, 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, आप उस कार्यकाल से संतुष्ट हैं या ये चाहते हैं कि? नहीं नहीं, हम संतुष्ट तो नहीं हैं, क्योंकि जितने युवाएं हैं हमारे भाई बंधु, हाँ, इतने पढ़ लिख रहे हैं, इतने मेहनत से, किसी को नौकरी चाकरी मिला नहीं मिला, इसकी वजह से हम लोग एकदम परेशान हैं इस सरकार से। अच्छा, इस विधानसभा की बात करें तो किस तरह देखते हैं लड़ाई, किन किन पार्टियों के बीच लड़ाई? त्रिकोणीय है, त्रिकोणीय हाँ। इस समय जो है आनंद दुबे भी किसी से कम नहीं है इस समय, जिस वजह से मतलब एक बार मायावती का छवि खराब था, आनंद दुबे के आने से मायावती की छवि एकदम यहाँ अधिकम ये कहिए मतलब बहुत संपूर्ण मतलब हो गया है। अच्छा हो गया, मतलब हाँ, मतलब कोई तीन में से कोई भी जी सकता है, कोई भी जी सकता है। अच्छा, जानते हैं आनंद दुबे से? मतलब आपने बताया आनंद दुबे अच्छे हैं, उनकी छवि हाँ अच्छे हैं। अरे कई बस चलवाए हैं और बहुत से बच्चिया का शादी भी करवाए हैं अपने, आज नहीं, ये नहीं है कि मतलब चुनाव आ गया को मतलब आज करवा रहे हैं, वो बहुत पहले से ही करवा रहे हैं। और आनंद दुबे अच्छे भी हैं, अच्छे प्रत्याशी हैं। आपका क्या नाम होगा, यहीं के रहने वाले हैं आप? राजीव यादव मेरा नाम है। अच्छा अच्छा, कैसे देखते हैं, चुनावी बहार है, आप युवा हैं, युवाओं की बात होनी चाहिए, युवाओं को अपनी बात रखनी चाहिए, क्या देखते हैं, कौन सी पार्टी है जिसको? अरे मतलब यहाँ हमें नहीं पता किसका किस कौन सी पार्टी जीतेगी, बस यूपी में अखिलेश यादव जीतना चाहते हैं। नहीं, यहाँ का हमको नहीं पता है, यहाँ प्रत्याशी सही नहीं है कोई भी प्रत्याशी सही नहीं है। तो मतलब यूपी की बात कर रहे हैं? हाँ, यूपी में अखिलेश आएंगे यही पता है हमको बस इस बार। आपका क्या मत है भाई, आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए, ये जो 5 साल का काम है अभी, ये समय कोई काम नहीं हुआ है, सब रोड शोड अभी बनी नहीं है, कई साल से बन रहे हैं। इस तरह से कुछ भाइयों ने अभी बोला था लड़ाई यहाँ त्रिकोणीय है। हाँ, तो जंग चल रहा है, समाज अच्छा हो रहा है, इसमें पता नहीं कौन आएगा, अभी हो सकता है बीजेपी आ जाए, भाजपा आ जाए या सपा आ जाए, ये तीनों में लड़ाई है, अब कौन सा आ सकता है? आपने बीजेपी, भाजपा और सपा, हाँ, या बीजेपी, बसपा या सपा, वो हो गया जो अब इसमें आ गया, अखिलेश भाई की सुनाई होगा। चल, काम कराया है नेताओं ने? यहाँ नेता नहीं भाई, ठेकेदारी में काम भया है, ठेकेदारी हुई है। हाँ साहब, तो क्या लगता है इस बार मतलब जिन्होंने ठेकेदारी की है उनका बदला होना चाहिए? जरूर होना चाहिए, बदला होगा। लगता है विकास कार्य हुए हैं पिछले 5 सालों में, जैसे देखते हैं रोड, लाइट, पानी, आप उन कारों से संतुष्ट हैं? रोड वैसे टूटी पड़ी बा, रोड वैसे टूटी फूटी बात है, यहाँ कौन विकास, कौन सरकार, कौनो यहाँ पर कौनो सुविधा ना है। तो कुल मिला के आपका कहना है आप 5 साल के कार्यकाल से खुश नहीं है? एकदम एकदम ना। तो बदलाव कैसे होना चाहिए, किस तरह? अब देखा जनता के हाथ में बांटे, जनता अपन बदलाव, जनता है ना? हाँ, हम भी है, जिहर सब चले वहाँ हम हूँ चलब। अच्छा हाँ, लेकिन बदलाव होगा, बदलाव तो होना ही होना है। किसको जिम्मेदार मानते हैं, अगर रोड की आपने बात की, रोड नहीं हुई है, पानी, बिजली, ये जो समस्या मूलभूत सुविधाएं जो समस्याएं होती हैं? हाँ, तो ऐसा हो ना कि मिला जुला के सरकार, अखिलेश के सरकार में कुछ काम अच्छा भा रहा, लेकिन ये योगी मोदी के सरकार में तो एकदम कहीं भी पशु जौन हो, इतना मतलब सांड सब गाय हाँके, बर्धा हाँके, ये कुल करें। बाबा का बुलडोजर चल रहा है? अब बाबा का बुलडोजर चल रहा है तो यार जनता का तो बुलडोजर बा, अब बाबा बुलडोजर चलाओ थे तो जनता चलाए भैया। अच्छा, अब जनता बुलडोजर चलावा ताटे तो अब बाबा के सुझा ताटे ऐसे बा। आपका नाम क्या है? राम कृष्ण सरोज। ये कौन सी जगह है? राजापुर नंबर 2।
इस बार किसको वोट करेंगे, किसकी लहर है? अब लहर तो सभी के बात है, समय सभी आवत है तो के कही अब लहर भा कैसे बताई जाए। तो अभी सब लोग आ रहे हैं लेकिन चुनाव जब खत्म हो जाए उसके बाद कौन? नहीं नहीं, चुनाव खत्म नहीं, चुनाव देखा एक दिन दो दिन में बनाता है। हाँ तो यही बात है, अब वहाँ तो सभी कहा था हम वहाँ जीते थे, वो कहा था हम जीते थे। लेकिन आप किसको जिता रहे हैं? अरे भाई जिताबेगा आप, क्योंकि हमसे तो कब जीतबे न कब हरबे करे, एक वोट हमें दे के है। एक वोट भी बहुत कीमती है, तो क्या मुद्दे होंगे जिसे देखकर आप वोट करेंगे? अरे भाई के सपोर्ट करी, अब वही समय पर देख जाए तो सपोर्ट बताई जाए। अभी देखेंगे व्यक्ति को देखेंगे आप? पार्टी देखा जाएगा ना। कौन सी पार्टी देख रहे हैं? अब पार्टी देखा जब चलते रहे भाई भाई, हम सब के चल जहाँ सब तो जाए। मड़ियांव विधानसभा में कौन कौन सी पार्टी की लड़ाई चल रही है, कौन कौन है एकदम रेस में? अब तो अब क्यों कहा था दो जने बाटने, क्यों कहा तीन जने बान, अब के बताई जाए। अब हैं आप किसको देखते हैं? है? आप किसको देख रहे? हम तो भाई देखा सभी के है, सभी आवत है, सभी देखा था। यह सहमत सुनील कुमार विश्वकर्मा, आपका ये कौन सी जगह है? राजापुर नंबर दो। किस तरह देख रहे हैं इस बार, क्या मोड़ है, क्या मुद्दे होंगे, किसे चुनेंगे आप? मोर तो अभी फिलहाल किसी का है नहीं, लेकिन चुना जाएगा तो अपने क्षेत्र के ही चुना जाएगा। कौन है क्षेत्र से जिसे चुनेंगे आप? क्षेत्र के हमारे से आनंद दुबे हो गए, उसके बाद सुषमा पटेल हो गई, इनको ही देखा जाएगा। आनंद दुबे जी के व्यक्तित्व की बात करें, उनको किस तरह देखते हैं? तो आनंद दुबे जी का जो है व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, उनसे जो भी जैसा भी चाहे वैसे प्रसन्नति जाके मिल सकता है, बात विचार कर सकता है, लोगों के प्रति उनका व्यवहार भी अच्छा है। उन्होंने जिस तरह से अपने दल के साथ जुड़े रहे, लेकिन उन्होंने उनको टिकट नहीं दिया गया उस पार्टी से, तो किस अब पार्टी से टिकट नहीं दिया गया, अब क्या मैटर था वो तो नहीं बता सकते। ये गलत हुआ है? गलत तो हुआ है, उन्हें उसी पार्टी में होना, उन्हें टिकट देना चाहिए था उसी पार्टी से। हाँ, श्यामा प्रसाद शर्मा है। अभी ये मड़ियांव विधानसभा के किस क्षेत्र में, हम किस गाँव में खड़े हैं? ये राजापुर नंबर दो है। क्या देख रहे हैं इस बार, किसकी लहर है, क्या मुद्दे होंगे चुनाव में? चुनाव में मुद्दे जो है, यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है जी, और सपा और बसपा और भाजपा, ये तीनों जो है त्रिकोणीय लड़ाई है यहाँ पे। करीब है, आप जाएंगे वोट करने, किन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे? देख रहे हैं हम, मैं भी मुद्दा रखते हुए जो भी है हमारे समझ में जो अभी आएगा अच्छा बुरा, उनको पहचाना जाएगा, देखा जाएगा उनकी क्या स्थिति चलेगा, उसके हिसाब से हम वोट करेंगे। तो अभी कौन कौन से प्रत्याशी हैं जिनको आप देख रहे हैं, जो पता है आपको? अभी हमारे यहाँ एक भदोही से लड़ रहे हैं आरके पटेल, मणियाओं के हैं अपने दारा सिंह, अरविंद सिंह दारा, इधर आनंद दुबे भी हैं, इधर सुषमा पटेल भी हैं। सुषमा पटेल के हमारे करीबी हैं जो हम उनके हमेशा सुषमा जी को ही चुनने का। हाँ, हम तो सुषमा जी को ही चुन लिए हैं। हाँ, हम पहले से ही चुन लिए हैं कि भाई हमारे करीबी हैं, पड़ोसी हैं, हमेशा दुख सुख में उठना बैठना। आनंद दुबे जी का किस तरह देखते हैं, उनका क्या है? आनंद दुबे का भी अच्छा है विचार। अच्छा है। हाँ, तो क्या लगता है उन्हें भी जनता का प्यार मिलेगा? उन्हें जनता का प्यार मिलेगा, भरपूर मिलना चाहिए। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।